धर्म अनादि काल से चलता आ रहा है और उसमें दिगंबर अवस्था ही मान्य है और उस वक्त अकाल पड़ा, सब स्वामी जी जंगल में भटक रहे थे, अकाल पड़ा था इस वास्ते कई लोग दिगंबर अवस्था से डंडा हाथ में लिए, स्वापर उनको उससे श्वेतांबर और दिगंबर दो भेद पड़ गए, इसके बारे में आपको क्या कहना है? इतना मेरा प्रश्न। किसको क्या करना है? कुछ नहीं करना हमको, जो चल रहा है चलने दो, हम क्या करेंगे? देखिए हमको क्या करना है, प्राय जैसे बन गई हैं, जो पंथ बन गया है वो कभी नहीं मिटता है, हमको केवल इतना करना है हम अपने पंथ पे विश्वास रखें, दूसरे पंथ का अपमान नहीं करें, बस इतना ही हमें करना चाहिए, दूसरे भी पंथों का सम्मान करना। नमस्ते मुनिवर, नमस्ते मुनिवर। मेरा एक प्रश्न है ऐसा है कि मनुष्य गति, मनुष्य की गति कर्मों से होती है या भक्ति से होती है? एक पहला प्रश्न मेरा है। मनुष्य की गति कर्मों से होती है या भक्ति से होती है? भक्ति भी एक कर्म है। हाँ, ना, भक्ति भी एक कर्म है, तो कर्म कहो या भक्ति कहो एक ही चीज है, पुण्य कर्म करोगे मनुष्य गति प्राप्त होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न ऐसा है, श्वेतांबर महाराज साहब मुंह में पट्टी लगाते हैं और जब वो प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तभी वो पट्टी खोलते नहीं, तो किसी भी के बोलने के बाद जो बोलने के लिए भी पट्टी खोलते नहीं हो, तो जैन उनका उनका कहना है कि ये मुँह पट्टी से बांधने से हम बात करते लोगों को तो हमारे तरफ से हिंसा होती नहीं, किसी भी जो कि सूक्ष्म जीव जो छोटा जीव है वो दिखता ही नहीं। हाँ, बोलो। तो उसकी हिंसा नहीं होती, तो जैन दिगंबर मुनि अभी मुँह पट्टी नहीं लगा के बोलते तो उनके वो तरफ से हिंसा होती कि नहीं? देखो क्या हिंसे में रहते, हिंसा तो कोई भी काम करो सब में होगी, है ना? मुंह में लगा ली, नाक से तो होगी ना, सांस तो लोगे ना, अब यहाँ थोड़ी लगा लेंगे पट्टी, समझ में आ रहा? तो अनावश्यक हिंसा मत करिए, आवश्यक हिंसा से कोई बच नहीं सकता है, वो उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग है, उनका आप दूसरे साधु से कंपेरिजन मत करिए, वो उनकी सोच है, वो पट्टी लगाते, उन्हीं में एक बिना पट्टी वाले भी होते हैं, तो क्या उनको भी हम हिंसक बोलेंगे? नहीं, अपनी अपनी सोच होती है, मनुष्य के साथ कुछ हिंसा ऐसी है जो आवश्यक है, उससे आप बचने, सांस लेना ही पड़ेगा, पलकें झपकना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, हिंसा इसमें भी होती है। एक बात याद रखिए, इस दीवार पर कुछ ना लिखें इसके लिए इतना लिखना ही पड़ता है, तो अहिंसा के लिए कभी कभी थोड़ी सी हिंसा भी हो जाए। नमस्ते। और एक हम ओला, ओला जो पत्थर के रूप में ऊपर से गिरता है, अच्छा ओला, ओला हाँ। और एक मक्खन जो हम मलाई से बनाते हैं और यूज में लेते हैं, तो ओला तो शुद्ध स्वरूप में ऊपर से गिरता है गुरुदेव, तो वो अभक्ष्य कैसे हुआ? और मक्खन हम मलाई से बनाते हैं, हमारे घर में बनाते हैं, तब भी वो अभक्ष्य है, ऐसा क्यों? देखिए ओला भले आकाश से गिरता हो, लेकिन आकाश से गिरता हुआ पानी शुद्ध होता है, प्रासुक होता है, लेकिन जब वो नीचे तक आता है और किसी स्थान पर अंतर मुहूर्त ठहर जाता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए उसको नहीं खाते हैं। दूसरी बात, मक्खन, मक्खन का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो मक्खन यदि आपने निकाला है तो निकालने के बाद उसको अंतर मुहूर्त में गर्म कर लेना चाहिए, उससे घी बन जाएगा, लेकिन यदि आपने अंतर मुहूर्त में उसे गर्म नहीं किया तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए तुरंत का निकला तो कोई खाता नहीं है, उसको निकाल के रख देते हैं बाजार में जो मिलता है, तो उसमें जैन धर्म के अनुसार, साइंस के अनुसार जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए वो अभक्ष हो जाया करता है। मक्खन निकाल के उसको तुरंत गर्म करो, घी निकालो, घी खाओ, मक्खन क्या खाना। नमस्ते गुरुदेव।
अच्छा तुम पूछने आई जी, वो नहीं पूछ सकते? नहीं, उन्होंने कहा कि हम अच्छा, शर्म लगती है। हाँ ठीक। तो उनका यह प्रश्न है कि अपने यहाँ पे तीर्थंकर का जन्म होता है तो उनको पता रहता है कि वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, फिर भी 16 मतलब 5 तीर्थंकर सिर्फ ब्रह्मचारी रहे और अन्य तीर्थंकरों ने विवाह क्यों किया, जबकि ब्रह्मचार्य का अपने यहाँ पे इतना ज़्यादा महत्व है, ये उनका प्रश्न है। और फिर इसके बाद अच्छा, उनको ऑब्जेक्शन इससे है कि बाकी ने शादी क्यों करी? हाँ। अच्छा, इससे तुमको बड़ा ऑब्जेक्शन। कमाल है, तुमने अपनी कर ली, भगवान ने कर ली तो गड़बड़ हो गया। देखिए, तीर्थंकर जो होते हैं, 5 ने शादी नहीं की अच्छी बात नहीं है, उनको भी करना चाहिए। समझ में आ रहा? क्योंकि शास्त्रों का विधान है, तीर्थंकर को 4 पुरुषार्थ करना पड़ते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। काल दोष के कारण हुंडा और सर्पणी काल, नहीं समझे होगे? उत्सर्पणी और सर्पणी 2 काल होते हैं। समझ में आ रहा? उत्सर्पणी में हर चीज की वृद्धि होती है, आयु की, हाइट की, समझ में आ रहा, ज्ञान की, सब बढ़ते बढ़ते होता है। जैसे ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष, तो अवसर्पणी काल में वो कम होते जाता है, महावीर तक 7 हाथ का बचा। उत्सर्पणी में क्या होता है? छोटे से बड़े होते हैं। अवसर्पणी में क्या होता है? सब चीजों में वृद्धि होती है। ऐसे असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल बीतने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। समझ आए? हुंडा अवसर्पणी कब आता है? असंख्यात उत्सर्पणी माने वृद्धि, अवसर्पणी माने हानि होने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है, और उस काल में ऐसे कार्य होते हैं जो किसी काल में नहीं हुए, जैसे तीर्थंकर की पुत्री होना, चक्रवर्ती का मान भंग होना और 5 तीर्थंकर का शादी नहीं करना, ये काल दोष है, अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा? क्योंकि तीर्थंकरों से संसार और मोक्ष दोनों चलता है, इसलिए यदि तीर्थंकर विवाह नहीं करेंगे तो लोग विवाह की परंपरा जानेंगे कैसे, फिर आदमी पशुवत व्यवहार करेगा। समझ में आ रहा? तो विवाह की गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बनाने के लिए तीर्थंकर को शादी करना पड़ती है, 5 ने नहीं की, ये काल दोष है। अब जो 24 होगी वो सब विवाह करेंगे, संतान की उत्पत्ति होगी, अंतिम आश्रम मोक्षाश्रम लास्ट वाला होता है। इसलिए जिनने नहीं की वो बहुत अच्छी बात नहीं है, वो एक पुरुषार्थ से वंचित रह गए। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, तीर्थंकर को उस जन्म में सारे सुख भोगना पड़ते हैं, 5 तीर्थंकर काम पुरुषार्थ से रहित हो गए, ये कमी है, ये अच्छी बात नहीं। तीर्थंकर के लिए आप लोग ब्रह्मचारी बनो तो अच्छी बात है। समझ में आ रहा? तीर्थंकर के लिए रूल्स है, हम लोगों के लिए नहीं। हमने शादी नहीं की बहुत अच्छी बात है, तीर्थंकर नहीं कर रहे ये गलत बात है। चलिए, हमारा प्रश्न कुछ हमारे शंकल हो रहा है कि स्वाध्याय कर चलाती हो जी? अच्छा, अब बस नहीं तो क्या हुआ, चलाती है तो चलाती, अब पूछो। फेसबुक भी चलाती? चलो पूछो पूछो जी। महाराज जी, ये वायरल हो रहा है मैसेज कि स्वाध्याय करना चाहिए, पूजा आदि नहीं करना चाहिए, पूजा में वही वही बात दोबारा दोबारा बोली जाती है, स्वाध्याय में कुछ नई बातें सीखने को मिलती है, तो अपना समय पूजा में बर्बाद नहीं करना, स्वाध्याय में ज्यादा टाइम देना है, तो ये कहाँ तक मतलब? ये कौन से तीर्थंकर ने बोला है? व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे कोई तीर्थंकर ने तो मैसेज दिया होगा ना, सीमंदर भगवान का विदेश क्षेत्र से आया होगा मैसेज, व्हाट्सएप में क्या लिखा ही तो लिखा रहता है ना, उसको ही पढ़ते हैं। तो सीमंदर भगवान ने मैसेज विदेश क्षेत्र से किया होगा कि पूजा में वक्त बर्बाद मत करो, पढ़ाई करो। समझ में आ रहा? लेकिन सीमंदर भगवान ने किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे 24 तीर्थंकरों ने कहा है कि
अष्ट कर्म श्रावक को प्रतिदिन करना चाहिए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, है ना। कितने कर्म हो गए ये? षट कर्म। कौन कौन सी हुए बोले जना? देव पूजा पहले नंबर के क्या? देव पूजा। अब मैं बाट साहब की मानू या महावीर साहब की मानू? किसकी मानोगे बोलिए। पहला नंबर उनने क्या बोला? 100 काम छोड़ के क्या करो? देव पूजा। फिर क्या करो? गुरु। तीसरे नंबर पे स्वाध्याय। समझ में आ रहा? तो व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, नक्कालों से सावधान। समझ में आ रहा? सबसे पहला काम देव पूजा, फिर गुरुओं की उपासना, तीसरे नंबर पे स्वाध्याय, चौथे नंबर पे संयम, पांचवें पे तप, छठवें पर दान। समझ में आया? 6 कर्म कब करना चाहिए? षट कर्माणी दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए। यदि जो बात व्हाट्सएप पे लिखी है ऐसी किसी आगम में लिखी हुई तो मुझे दिखा देना, मैं अपनी भूल सुधार कर लूंगा। समझ में आ रहा? भगवान ने 6 कर्म बोले हैं, 6 कर्म उसको करना चाहिए। नमस्ते। फिर शादी से पहले जो वर वधु की कुंडली मिलाई जाती है उसका कहीं जैन धर्म में वर्णन है या सिर्फ या फिर पंडितों द्वारा चलाया गया ऐसा? देखो, शादी ऐसा मामला है कितना भी मिला लो वो मिलती नहीं। कितनी भी कुंडली मिलाओ, पति यहाँ जाता है, पत्नी यहाँ जाती है ना। तो कितना भी आप मिला लो, कुछ कर लो, जो पति से रहे तनी तनी वो पत्नी है ना। तो कितना भी कुंडली मिला लो बेटा, शादी की चिंता मत करो, हमसे कुंडली मिलाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो कुंडली उंडली जो मिलाते हैं मिलाएं, नहीं मिलाते हैं नहीं मिलाएं। मेरा मानना तो ये है कि कुंडली मिलाने से जीवन में खुशियां आए या ना आए, मन मिलाने से खुशियां जरूर आती हैं। मन मिला लो वो तुम्हारी शादी हो गई। इस लफड़े में हो ना। एक काम कर बेटा, जिससे तुझे शादी करना है उससे कुंडली मत मिला, अपनी बीबी की अपनी मम्मी से मिला। यदि सास बहू सही रही तो तू भी सही रहेगा। जी, मेरा प्रश्न ये है कि अरिहंत और तीर्थंकर में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। देखो, अरिहंत सभी बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। तीर्थंकर सभी नहीं बन सकते हैं, तीर्थंकर 24 ही हुआ करते हैं। जो भी घाती कर्मों का नाश करता है तपस्या के द्वारा, वह अरिहंत बन जाता है। तो अरिहंत बनना सरल है, तीर्थंकर बनना कठिन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है, एक इंद्र जीव ऐसे क्या पुण्य करता है ताकि वो दो इंद्र तीन इंद्र बनता है? ना तो उसका धर्म का उपदेश मिलता है, ना तो वो देख सकता है। इतने मेरे शंका। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य भाव पाने के लिए एक इंद्रिय जीव क्या करता है? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये तो पुण्य से मिला करते हैं। वो लोग तो कोई पुण्य करते नहीं है, फिर उन्हें मनुष्य भाव कैसे मिल जाता है या दो इंद्रिय पर्याय कैसे मिल जाती है? धीरे धीरे उसका विकास कैसा होता? देखो, हम मनुष्य हैं, हमें ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो एक इंद्रिय है उसे कम पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो जितना निर्बल होता है उसे थोड़े से काम में ज्यादा फल मिलता है, और जो बलवान होते हैं उन्हें बड़े काम में बड़ा फल मिलता है। जैसे आपने कहा एक गिलास पानी लाओ, आपकी पत्नी ले आई, कोई भी ले, आप पत्नी के पास ले गए, कोई भी चलेगा, कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन यदि 1 साल का बच्चा एक जग उठा के ले आए तो आप क्या कहोगे? अरे, इसने इतना बड़ा काम कर दिया। क्योंकि वो छोटा है, उसकी शक्ति कम है, और छोटा भी थोड़ा सा भी बड़ा काम करे तो बड़ी प्रशंसा मिलती है। तो हमें अपनी पर्याय बदलने के लिए बड़ा पुण्य करना पड़ता है। एक इंद्रिय को कम पुण्य में बड़ी पर्याय उनको प्राप्त होती है, क्योंकि उनका सामर्थ्य नहीं है। तो जैसे एक इंद्रिय है, किसी ने लाके उस एक इंद्रिय पेड़ में से फूल लाके भगवान को चढ़ा दिया, तो समझना
पुण्य के कारण वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री पर्यायों में जन्म ले लेता है। चावल चढ़ाया, ये जो पत्थर है भगवान का, ये पत्थर सेप्टिक टैंक में भी लग सकता था, सीढ़ियों में भी लग सकता था, लेकिन किसी शिल्पी ने इसे मूर्ति बना दिया। एक इंद्री की पर्याय से ये दूसरी पर्याय में जन्म ले लिया करता है। कोई मुनिराज आ रहे हैं, उन्होंने अपने पैर कमंडल से धो लिए, उनका गंधोदक किसी पेड़ के पास चला गया, इतना ही पुण्य उसके लिए बहुत है, क्योंकि वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक हुआ, उनके अभिषेक का गंधोदक जिन जिन खेतों में बहकर के गया, वहां के एक इंद्री दो इंद्री सभी उसका स्पर्श करके इतना पुण्य अर्जित करते हैं कि वह मनुष्य भाव तक में जन्म ले लिया कर। नमस्ते महाराज। महाराज जी नमस्ते। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि नमोर्यंतानम किसने बनाया और उसमें इतनी शक्ति कैसे आई? नमोर्यंतानम किसने बनाया? देखो अरिहंतानम किसी ने बनाया नहीं, अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार हैं, ये पद हैं, इसका लेखन किया गया है सबसे पहले आचार्य पुष्पदंत और भूतवली महाराज ने। षटखंडागम ग्रंथ में नमोकार मंत्र का लेखन किया है, बनाया नहीं है ना। यदि बनाया होता, आचार्य पुष्पदंत भूतवली ने नमोकार मंत्र बनाया होता, तो आचार्य पुष्पदंत भूतवली तो अभी हुए हैं 2000 साल पहले, लेकिन पारसनाथ ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, इसका मतलब ये मंत्र पहले से ही है, सदा से है, सदा रहेगा, इसे किसी ने बनाया नहीं है। और इसमें शक्ति कहां से आई? शक्ति भक्ति से आती है, जो भक्ति से नमोकार पढ़ता है उसके मंत्र में शक्ति प्रकट हो जाया करती है। नमस्ते। भावों में अशुद्धियां कैसे आती हैं? भावों में अशुद्धियां कैसे आती? तुम शुद्ध हो, अशुद्ध हो, कैसे आती है? हमको शुद्ध वाले से अशुद्ध का क्या पूछ रहे? देखिए भावों में अशुद्धि आती है इंद्रियों की आसक्ति में जीने से, है ना। जो इंद्रियों का गुलाम रहता है उसके भाव अशुद्ध होते हैं, और जो इंद्रियों को जीत लेता है उसके भाव शुद्ध हुआ करते हैं। इसलिए इंद्रियों को जीतिए, अपने मन को वश में रखिए, भाव शुद्ध हो जाएंगे। महाराज जी एक और प्रश्न है, अच्छे और बुरे में कैसे फर्क करें? अच्छे और बुरे में कैसे फर्क करें? अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं होता दुनिया में, ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है। अच्छा बुरा होता है उसका रिजल्ट, समझ में आ रहा? यदि रिजल्ट अच्छा है तो बुरा काम भी अच्छा है, और रिजल्ट खराब है तो अच्छा काम भी बुरा हुआ करता है। तो अच्छा और बुरा करते समय पता नहीं चलता, अच्छा और बुरा रिजल्ट के समय पता चलता है। पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ सोचने से कुछ नहीं होता, जब मार्कशीट आती है तब पता पड़ता है अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो कोई भी कार्य करते समय उसके रिजल्ट का ध्यान रखो, रिजल्ट यदि ध्यान है तो हर काम तुम्हारे लिए अच्छा। नमस्ते। आरती क्यों करते? देखो बड़े बड़े लोग करो, बैठिया लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं? 1000 लोग देखे तो आंखें कितनी हो गई? डबल। डबल आंखों से जब निहारते हैं तो भगवान को दृष्टि दोष ना लग जाए, इसलिए दृष्टि दोष उतारने के लिए शाम को आरती किया करते प्रतिमा की, क्योंकि प्रतिमा को बार बार देखो तो कहते ना नजर लग गई है ना। तो ऐसा नहीं कि इंसान को ही नजर लगती है, पदार्थों को भी नजर लग जाती है, इसलिए उसका दृष्टि दोष आरती के माध्यम से उतरता है। और यह दृष्टि दोष उतारने की विधि महापुराण में, जब 6 कुमारियां 56 कुमारी माता की सेवा करने आती हैं, तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने कहा है वो शाम को माता का दृष्टि दोष उतारा करती हैं। तो जो बहुत सुंदर होता है उसको नजर लगती है, इसलिए भगवान की आरती उतारी जाती है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है, पहले जितने भी सम्राट हो गए उन्होंने दुनिया जीत ली, और दुनिया जीतने के बाद ऑल ऑफ सडन उनको जैसे कि अशोक है, भरत है, राम है,
दुनिया जीत के आने के बाद उनको ऑल ऑफ सडन वैराग्य प्राप्त हो गया और संन्यास लेके वो जंगल में चले गए। मेरा अभी प्रश्न ये है कि उनका कर्तव्य क्या था, वो उनको, क्योंकि वो वैराग्य प्राप्त होने के बाद उसके बाद उनका इतिहास किसी को मालूम नहीं, उनके फैमिली का क्या हो गया। वो दुनिया जीतने के बाद सम्राट होने तक और वैराग्य प्राप्त होने तक का इतिहास सबको मालूम है, उसके बाद का उनका फैमिली का क्या हो गया किसी को मालूम नहीं। तो उनका कर्तव्य क्या था, उनका कर्तव्य पहले उनकी उनके जो प्रजा है उनके प्रति उनका कर्तव्य था कि उनको वैराग्य प्राप्त होने के बाद जाना उनका कर्तव्य था, उसमें से फर्क कौन सा। हाँ, देखिए समझ गए। हकीकत में पूछा जाए कर्तव्य होता क्या है, व्हाट इज कर्तव्य, कर्तव्य क्या होता है, परिवार संसार इनकी व्यवस्था बनाना ये कर्तव्य है कि अपनी आत्मा का कल्याण करना ये कर्तव्य है? है परिवार तो देखो चलो वो वैराग्य नहीं लेते, मौत आती बीच में ही चले जाते, फिर क्या मौत से कहते मेरे परिवार का क्या होगा समाज का क्या होगा। ध्यान रखना मनुष्य हो मनुष्य का कर्तव्य, घर परिवार नहीं होते हैं, मनुष्य के 6 कर्तव्य हैं, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप, तप करके मोक्ष जाना ये हमारा परम कर्तव्य हुआ करता है। शरीर की सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, परिवार पालन करना हमारा कर्तव्य नहीं है। एक गाड़ी से अभी एक्सीडेंट हो जाए सब कर्तव्य धरे रह जाएंगे। और एक बात याद रखना प्रत्येक जीव अपना अपना भाग्य साथ लेकर के आता है, जन्म देकर भी यदि माता पिता दुनिया से चले जाएं तो उसके साथ बच्चा नहीं जाता है, वह अपनी जिंदगी जी लिया करता है। ये भ्रम निकालो कि छिपकली कह रही मैंने छत को संभाल रखा है, समझ में आ रहा, मैं नीचे उतर गई तो छत गिर जाएगी, ये हमारे कर्तव्य नहीं हुआ करते हैं। कर्तव्य तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और सारे तीर्थंकर यदि वैराग्य लेकर के गए तो जाने से पहले अपना मुकुट अपने उत्तराधिकारी को देकर गए, उनने संसार का भी कर्तव्य निभाया और अपनी आत्मा का भी कर्तव्य निभाया। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सिंह हिंसक जीव है, मतलब प्रकृति से वो हिंसा करता शेर। तो उसका नेचुरली वो हिंसक है तो वो जीवों की हिंसा करता है तो उसको पाप लगना चाहिए, मतलब उसको पाप कर्म का बंद होना चाहिए, और पाप कर्म का बंद होने से वो मतलब उसके पाप बढ़ते जाएंगे तो उसको नेक्स्ट जन्म में भी बुरा भाव मिलेगा और बुरा मिलता रहेगा। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा जीव कैसे उस कंडीशन से बाहर आ सकता है? देखो सिंह हिंसक प्राणी है प्रकृति से, है ना, प्राकृतिक है वो, उसकी अपनी मजबूरी है, समझ में आ रहा। लेकिन कुछ सिंह ऐसे भी हैं जिन्हें जब साधुओं का उद्बोधन मिलता है तो वह जब उनको समझ आती है तो वह मांसाहार छोड़ देते हैं। ऐसे शेर बहुत कम हैं, और ऐसा शेर यदि छोड़ता है तो आगे जाके भगवान महावीर बन जाया करता है। तो पशु भी समाधि करते हैं, पशु भी त्याग करते हैं, यदि उन्हें सत उपदेश प्राप्त हो जाए तो वह सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो वहां पे आपने देखा अमरचंद दीवान ने शेर को जलेबी खिला दी थी, इसी युग में कलयुग में मांस छुड़ा करके जलेबी उन्होंने खिला दी थी। तो ऐसे केस बहुत कम होते हैं, लेकिन शेर की यदि प्रवृत्ति है नेचर है तो जो प्राकृतिक रूप में है उन्हें पाप तो बनता है पर इतना नहीं बनता, वो जानवर है ना समझ है, हम समझदार खाएंगे तो हमको पाप का बंध जरूर होगा, वो उसकी व्यवस्था है मजबूरी है। लेकिन कुछ लोग कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो संबोधन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। महाराज जी इसमें एक इसके एडिशन में एक प्रश्न था कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब पेरेंट्स भी उनके मांसाहार करते हैं तो वो उनके बच्चों को भी वही सिखाएंगे तो उनके बच्चों की क्या गलती है, मतलब वो बच्चों की गलती नहीं है, गलती माँ बाप की भी नहीं है बच्चों की भी नहीं है, उनको सद शिक्षा सदुपदेश नहीं मिला, डिस्टर्ब है उनको शिक्षा संस्कार नहीं मिला। मनुष्य किसी भी कीमत पे मांसाहारी नहीं है, समझ में आ रहा, मनुष्य तो शाकाहारी ही है,
मांसाहारी जो होते हैं, जब पानी पीता है मांसाहारी प्राणी तो जीभ से पीता है, गाय जब पीती है तो जीभ से चाट के नहीं पीती है, वो डायरेक्ट पानी पिया करती है। मांसाहारियों के नाखून बड़े होते हैं, मांसाहारियों की आंखें रात में चमकती हैं अंधेरे में, शाकाहारियों की नहीं चमका करती हैं। मांसाहारी के दो दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं शिकार करने के लिए, हमारे तो ऐसे बड़े बड़े दांत नहीं हैं, हमारे बड़े बड़े नाखून नहीं हैं, हमारी आंखें रात में नहीं चमका करती हैं, हम पानी ग्रास से घूंट घूंट पीते हैं और हिंसक प्राणी घूंट घूंट नहीं पीता है। इसलिए मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है, यदि वो मांसाहार करता है तो प्रकृति के विरुद्ध काम करता है, इसलिए उसका पाप का बंध ज्यादा है। तो हमारी ड्यूटी है, हम शाकाहारी हैं, इतना होने से कुछ नहीं होता है। आपने प्रश्न किया है, अब आपकी जितनी भी आयु हो, 50 साल 60 साल कितने साल के हो गए, 29 आओगे, जितना भी जी होगे, एक संकल्प करो, हम एक मांसाहारी को शाकाहारी जरूर बनाएंगे।